मेरा नाम वजीहा इदरीस है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और एक राइटर भी हूँ जी। मैंने तकरीबन 9200 जो गर्ल्स थी उन्हें श्रेय पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं, जिस तरह शेख पारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी चेहरे को खुला लेके आएगी तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिर्मिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, तो उतने में अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूँ मैं, सवाल होना चाहिए दो या तीन अल्फाज, मैं सवाल सुन चुका हूँ आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फ़र्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूँ और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फ़र्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ कई सालों से आ रहा है, और आप मेरी कसर देखें तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूँ। और कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूँ। आपस में है इख्तलाफ, इख्तलाफ कई चीज़ पे इख्तलाफ है, उस पर बहस करके फ़ायदा क्या, आप समझे ना जी। तो कई उल्मा है, कई किताबें, हज़ारों किताबें इस पर लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूँ कई, तो इस पर इख्तलाफ है। लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तलाफ है तो इख्तलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फ़र्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फ़र्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूँ कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तलाफ है और इख्तलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिर्मिज़ी हदीस कोट कर, तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूँ, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तलाफ है। शेख अल्बानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बास की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो, अब समझ रहे। जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी जब तो करो, अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं, तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? आप जानते ही नहीं शरिया को, आदमी के लिए फर्द है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्द मतलब क्या, नौज़बिल्ला क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको बेसिक इल्म नहीं है, अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है, कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है उस पर बहस क्या करने का, ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे नहीं पहने तो कौन बोल देते हराम है, नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो, तो आप कैसा बोल रहे कि औरत और मर्द में फर्क नहीं, आप क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिर्मिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं?
आप अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसअग्री, अग्री टू डिसअग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करें उस पर।